मनोज यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये 93 सीट्स के लिए इलेक्शन होने जा रहा है 5 तारीख को, अब इतना जोर लगाया है तो मोदी मैजिक के सारे, कितनी सीटें आप सोच रहे हैं सेकंड फेज में 93 में से बीजेपी को मिल जाएंगी इस बार? देखिए विपनेश जी, मैं आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में वहां पर सरकार बना रही है, और 2002 का भी हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने की हमारी पूरी पूरी कोशिश है, और निश्चित रूप से हम लोग उस अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। लेकिन मैं, जैसा कि अजय उपाध्याय जी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, देखिए ओबीसी समाज से आते हैं, ये बोल रहे हैं हम जाति की राजनीति करते हैं, नहीं करते, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और ये बोल रहे हैं, ये कहां से ये डेटा लेकर के आए? राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से लेकर के आए हैं क्या, जो ये अभी बोल रहे हैं कि मेरे पास भ्रष्टाचार की सूचना? अरे भाई साहब, और कुछ नहीं बचा आपके पास में, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप राहुल गांधी के लेके आए होंगे। और तीसरा बात यह है कि 12 लाख करोड़ भत्ते घोटाले करने वाले लोग हैं, 2G 3G 4G, उनसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। कच्छ और पोरबंदर के अंदर जहां ही लगा दिया जाता था, बैरिकेड लगा दिए जाते थे, सूचना नोटिस लगा दिया जाता था कि कानून व्यवस्था की सीमा रेखा खत्म होती है, तो उनसे अभी कानून व्यवस्था हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं का कितना अपमान राजस्थान में हो रहा है, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि किस तरह से वहां अत्याचार हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मनोज जी आपने एक बात इंपॉर्टेंट कही,